जय हिंद, नमस्कार। मैं के सिंघानिया। दोस्तों, आज ये रीजनिंग का सेट नंबर 7 है, जिनमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ 4 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे रीजनिंग के प्रश्न। हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम पर। ओके, तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्लासिफिकेशन से, और इसमें आपको चुनना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इसमें असंगत है। देखिए, इसका पैटर्न क्या है, इसमें से 3 जो शब्द होगा उसका पैटर्न यहाँ पे सेम होने वाला है, और एक शब्द इसमें जो होगा उसका पैटर्न अलग हो जाएगा, यानी कि वही असंगत होगा। बहुत अच्छा प्रश्न ये होता है और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व भी करते हैं। देखिए, ऑप्शन 1 का पैटर्न क्या है, देखिए दोस्तों, इसका ई का एफ किया है, एफ का सी किया है, सी का डी किया है, तो इसका जो पैटर्न यहाँ पर हो गया है 1+3-, और यहाँ से 1+। दोस्तों, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न ऑप्शन 1 में भी यही है, ऑप्शन 2 में भी यही है, ऑप्शन 3 में भी यही है, लेकिन ये जो पैटर्न है ऑप्शन 4 में नहीं है। तो इस लॉजिक से हमारा स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि OPQR। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है रिपीटेड सीरीज का, और रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी सीरीज यहाँ पे दिया हो उसका कितना स्थान है, कितना पैलेस है, उसको पहले काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग करने के बाद उसका बनाते हैं पेयर, और पेयर बनाकर ऑप्शन के सहारे उस पेयर में देखते हैं कि कौन सा जो अक्षर है उसमें भरा जा सकता है, तो उसके सहारे हम लोग सही ऑप्शन यहाँ से फाइंड करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो रिपीटेड जो सीरीज का जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में मिसिंग किया गया है। देखिए कैसे मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है, आप लोग देखेंगे तो खाली स्थान का संख्या देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 खाली स्थान का संख्या इसमें 5 ही दिया गया है, लेकिन जो इसमें लेटर भरना है ना वह भरना है 6। देखिए हर एक ऑप्शन में 6-6 लेटर यहाँ पे भरना है, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एक स्थान यहाँ पे नहीं दिया गया है प्रश्न में जहाँ पे फिलअप करना है, यानी कि प्रश्न यहाँ पे रॉन्ग है। देखिए दोस्तों, तो इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मैं चाहा कि मैं इस प्रश्न को करेक्शन कर दूँ, लेकिन ये प्रश्न करेक्शन भी नहीं हो पाया। ओके, तो इसलिए इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखो, जो बच्चे इस प्रश्न के लिए ऑब्जेक्शन रेज किए होंगे उनको नंबर एकदम मिलने वाला है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज से, और ये जो सीरीज का जो प्रश्न है रिवर्स सीरीज का प्रश्न है, यानी कि उल्टा वाला। देखिए इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न बहुत इजी है। इसका पैटर्न देखिए इस प्रकार किया है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 64 को 60 किया है, यानी कि 4- किया है। ओके, 60 को 52 किया है, यानी कि देखिए 8 माइनस किया है दोस्तों। 52 को 40 किया है, यानी कि 12 माइनस किया है। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट होने वाला है कि देखिए सब में 4-4 बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर 40 से वाट निकालने के लिए यहाँ पर मैं 16 माइनस करने वाला हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे 16 माइनस किया यहाँ से आ गया हमारा 24। अब देखता हूँ कि अगला स्टेप इस पैटर्न से फॉलो होता है नहीं होता है। तो चलिए 24 में यहाँ से 20 माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया 4, और 4 यहाँ पर वैसे भी हल ही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका जो पैटर्न होने वाला है यही होने वाला है, और इसी पैटर्न के सहारे जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल गया है सही उत्तर 24। तो ये जो प्रश्न है रिवर्स सीरीज का प्रश्न है, और देखिए सीरीज का कोई भी प्रश्न हो यदि आपको एग्जाम में इसका पैटर्न मिल जाता है तो बहुत शॉर्ट वे में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसका पैटर्न नहीं मिल पाता है तो बस आपके पास एक ही रास्ता होता है कि ऐसे प्रश्न को स्किप करना, नहीं तो यदि आप इसको स्किप नहीं करोगे एग्जाम हॉल में तो समय भाई यहाँ पे ये प्रश्न पूरा लेकर बैठ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पर।
देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से, यानी कि ये आकृति दिया गया है और इसमें काउंट करना है कि इसमें कितना त्रिभुज है। देखिए दोस्तों पहली बात, त्रिभुज को काउंट करने का एक मैं फिगर में आपको बता रहा हूँ, उसका कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ऐसे फिगर को आसानी से आप काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट होगा वह सारा कंसेप्ट मैं डिस्कस में करते जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए यदि मान लीजिए कि कोई फिगर ऐसा यहाँ पर दिया हो, कोई फिगर दोस्तों ऐसा दिया हो, ओके, और इसमें आपको काउंटिंग करना है कि कितना इसमें त्रिभुज हैं, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है आप ध्यान रखेंगे। देखिए एक दो तीन चार, चार का दोगुना कर दो तो ये हो गया आठ, यानी कि इसमें आठ त्रिभुज हैं। जब भी आपको जीवन में ऐसा फिगर दिख जाए तो ऐसे फिगर को काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करो, जैसे मैं किया एक दो तीन चार, और चार का दोगुना कर दो यानी कि आठ हो गया। मतलब कुछ भी आए, मान लो कि बारह आए तो बारह का दोगुना चौबीस हो गया। तो इस प्रकार से जब भी ऐसा फिगर आए तो ऐसे फिगर में त्रिभुज का काउंटिंग इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। देखिए ना ऐसा फिगर यहाँ पर यह भी है और यह भी है, तो चलिए इसको हम इजी वे में यहाँ पर हम काउंट करते हैं, एक दो तीन चार, तो चार चार आठ, यानी कि इसका इसमें आठ त्रिभुज हैं। उसी प्रकार से एक दो तीन चार, इसमें भी आठ हो गया। अब देखिए ये तो आठ आठ, यहाँ पर ये सोलह हो गया, ओके। लेकिन देखिए जैसे ही इस फिगर को मैंने ज्वाइंट किया, ज्वाइंट किया तो दो फिगर इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है। देखिए ज्वाइंटिंग से यहाँ पर एक फिगर तो देखिए ये हो गया त्रिभुज और एक त्रिभुज ये हो गया, तो इस प्रकार से दो फिगर को ज्वाइंट करने से दो एक्स्ट्रा यहाँ पे त्रिभुज बन गया है, तो 16 दो ये हो गया 18। ये त्रिभुज काउंटिंग का बहुत ही इजी ये फिगर था, इसलिए इसको इजी वे में आप इसको यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ से इसका जो यहाँ पे जो उत्तर हो गया है, उत्तर यहाँ पे 18 इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए जो बोला गया है, अगला प्रश्न, पांच विद्यार्थी एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पांच वो विद्यार्थी हैं, मैं मान लिया चलिए ये पांच विद्यार्थी हैं, एक बनाए हैं घेरा दोस्तों, ये बना दिए घेरा, ओके। अब देखिए क्या किए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए मैं मान लिया ये पांच विद्यार्थी हैं, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, और यहाँ से हमारा ये पाँच हो गए, ओके। सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सुनील है ना, जो ये सुनील हैं, सुनील और सुस्मित, ये सुस्मित हो गया, सॉरी रुकिए एक मिनट, गया यहाँ पे आएगा सुस्मित, ये सुस्मित हो गया। देखिए इसके बीच में कौन है, तो यहाँ पर सुमित हैं, कौन है तो सुमित हैं, ओके। अब देखिए अगला लाइन यहाँ पे क्या कहा गया है कि श्वेता के बाईं ओर, श्वेता के बाईं ओर कौन है, सुषमा है। अब देखिए इस लाइन को मैं यहाँ पे स्किप में कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ चर्चा यहाँ पे नहीं हुआ है। इस लाइन पर मैं आ रहा हूँ, सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं दोस्तों। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि देखिए यहाँ पर ये सुस्मित हैं, यहाँ पर सुस्मित हैं, तो यहाँ पे हमारा सुषमा नहीं होगा। जब यहाँ पे सुषमा नहीं होगा तो एक पॉइंट और यहाँ से स्पष्ट हो गया कि सुषमा जो यहाँ पे होने वाली है ये सुषमा यहाँ पे हो जाएगी, बस स्पष्ट यहाँ से हो गया। अब देखिए आता हूँ पिछला लाइन पर, तो पिछला लाइन यहाँ से बोला गया है कि श्वेता, श्वेता के बाईं ओर क्या है, सुषमा है दोस्तों, यानी कि देखिए सुषमा यहाँ पे है ना, तो श्वेता कहाँ पे हो जाएगी, श्वेता फाइनली जो यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, श्वेता फाइनली यहाँ पे हो जाएगी, श्वेता, श्वेता, ओके। अब देखिए ये फिगर यहाँ से बन गया, सबको मैं यहाँ से बैठा लिया हूँ। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला। देखिए प्रश्न में पूछा गया है, जरा बताइए सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन है दोस्तों। देखिए सुमित तो ये है और इसके बगल में दाहिनी ओर पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है इसके दाहिनी ओर दोस्तों, दाहिनी ओर कौन है भाई, सुनील है। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट यहाँ पे हो गया, जो यहाँ से
से उत्तर मिल गया है, उत्तर क्या होने वाला है, सुनील होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे वन जाने वाला है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही ईजी प्रश्न था, आप ऐसे प्रश्न को जुबान से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिगर से मैं बता दी हूँ ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है एनलॉजी का, और एनलॉजी में सबसे पहले आपको इसका पैटर्न पकड़ना होता है कि पैटर्न क्या किया है। यहाँ पर देखिए, इस शब्द का संबंध इस शब्द से है, तो देखते हैं कि दोनों शब्द के बीच में क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक है। देखिए दोस्तों, ये क्या किया है ना, बी का ए, एस का क्यू, टी का यू, एन का पी, यहाँ से स्पष्ट हो गया दोस्तों कि बी का ए यानी कि वन माइनस, एस का क्यू यानी कि दो माइनस, टी का यू यानी कि वन प्लस, और एन का पी यानी कि दो प्लस। दोस्तों इसका पैटर्न हमें मिल गया है वन माइनस, ये माइनस टू और प्लस वन और प्लस टू किया यहाँ से, तो ये पैटर्न यहाँ से मिल गया। और देखिए इसी पैटर्न के सहारे हमें इस शब्द को लिखना है, चलिए लिखते हैं भाई, इसको क्या दिक्कत है इसमें, लिखते हैं। देखिए डी में वन माइनस करेंगे तो सी आएगा, एन में दो माइनस करेंगे तो एल आएगा, यू में वन प्लस करेंगे तो भी आएगा, और सी में दो प्लस करेंगे तो ई आएगा। तो यहाँ से जो उत्तर आ गया है सी एल भी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर दो जाने वाला है। देखो एनलॉजी का बहुत ही इजी प्रश्न होता है, ठीक है ना, तो आप ऐसे प्रश्न को इजी वे में यदि आपको पैटर्न मिल पाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से, और देखिए इसका पैटर्न यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए सूरज इज ए हॉट पैलेस को देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, ए हॉट इज पैलेस सूरत। देखिए दोस्तों, यानी कि देखिए इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखा जा रहा है और इस सेंटेंस को इस प्रकार से, तो हमें बताना है यहाँ पर कि शिमला इज ए हिल पैलेस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, इसका लॉजिक क्या है, देखिए कुछ नहीं किया है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ए हॉट को ये पहले लिख दिया है, ओके, उसके बाद इज को एकदम सेम स्थान पर, और देखिए इसके बाद क्या किया है ना, इसके बाद क्या किया है दोस्तों, जो अंतिम है उसको लिख दिया है पहले, और जो पहले हैं उसको लिख दिया है अंतिम में, बस वही तो काम किया है। इसको आप लॉजिक से भी आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, कोई पेन लगाने का इसमें झंझट नहीं है। लेकिन चलिए भाई, सबका साथ सबका विकास चाहिए, तो चलिए आपको मैं यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए हिल को पहले यहाँ पे लिखने वाला हूँ, उसके बाद ईज का स्थान फिक्स है, और जो अंतिम वाला है उसको पहले मैं यहाँ से डाल दिया हूँ, यानी कि पैलेस पहले आएगा, और जो पहले है वह अंतिम में आएगा, यानी कि यहाँ पर शिमला हो जाएगा। तो देखिए जो बन गया है ए हिल इज पैलेस शिमला, ये ऑप्शन में कौन में है, तो ऑप्शन दो में है, तो इसलिए इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से जब भी प्रश्न है तो आपको पिन नहीं लगाना है, जुबान से आप ऐसे प्रश्न को करना है मौखिक, बस दिमाग में सोचना है कि ये क्या किया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है ये फिर पूछा गया है प्रश्न एनलॉजी से, तो इसका लॉजिक क्या है। देखिए डी एफ बी का जो संबंध है जी एस सी से है, तो इसका जो लॉजिक यहाँ पर है, देखिए डी का जी किया है, एफ का एच और बी का सी। देखिए डी का जी यानी कि कितने प्लस कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे तीन प्लस किया है, एफ का एच कितने प्लस किया है, दो प्लस किया है, बी का सी कितने प्लस किया है, एक प्लस किया है, यानी कि तीन प्लस दोस्तों दो प्लस वन प्लस। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका जो पैटर्न यहाँ पे कर रहा है प्लस तीन प्लस दो प्लस वन, बस यही लॉजिक किसका है, तो वैसा ही मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए एल एन जे में, तो एल में तीन प्लस करेंगे तो ओ आएगा, एन में दो प्लस करेंगे तो पी आएगा, और जे में जैसे ही मैं एक प्लस करता हूँ तो के आ जाएगा। तो यहाँ से जो उत्तर मिल गया है ओ पी के, और यही इसका राइट उत्तर होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर चार। अगला प्रश्न,
देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। और देखिए इसमें क्या क्या यहाँ पे बोला गया है, प्लस का अर्थ गुना है और घटाव का अर्थ जोड़ है और गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपके पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि आप ये चारों ऑप्शन को जांचिए इस ऑपरेशन के सहारे और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है तो वही आपके यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ फाइनली जो यहाँ पे उत्तर सही यहाँ पे दिया गया है। देखिए इस ऑप्शन को यहाँ पे सही माना गया है, मैं चेक करता हूँ। देखिए 10 ये माइनस को क्या लिख रहा है, तो माइनस का जो अर्थ है जोड़ है, यानी कि 10 प्लस यहाँ पे 12 हो गया। ओके, अब देखिए भाग का अर्थ घटाव है तो 12 घटाव 18 हो जाएगा और गुना का जो अर्थ है, देखिए गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ यहाँ पे जो दिया गया है गुना का अर्थ यहाँ पे भाग दिया गया है तो ये 18 भागा 6 हो गया और प्लस का अर्थ है गुना है तो ये गुना बराबर गुना 6 गुना 2 हो गया और बराबर यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें इसको अब इस ऑपरेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है तो ये 6 3 18 हो गया यानी कि यहाँ पे आ गया 3, जब यहाँ पे आ गया है 3 और ये 3 2 का हो गया 6। ओके, अब देखिए 6 ये नेगेटिव में है और ये हो गया है 22, दोस्तों 22 में से 6 गया ये आ गया 16, यानी कि देखिए इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये 16 आ गया है, यानी कि यह ऑप्शन सही है, यह ऑप्शन क्या है सही है हमारा। ओके, तो देखिए जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न आए आपको वैसे ही सारे ऑप्शन को जहाँ चेक करना है और चेंज आपको चेक करके ही आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है और देखिए इसमें प्रश्न में क्या बोला गया है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है और ए गुना बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, यानी कि देखिए इसमें सब में ए के बारे में भी यहाँ पे बता रहा है, सब ए के बारे में बता रहा है, बस आपको इसको दिमाग में डाल लीजिए कि सब क्या है, ए के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, प्लस का अर्थ पुत्री, माइनस का अर्थ पत्नी और गुणा का अर्थ पुत्र हो गया। ओके, अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है कि ये दिया गया है पी गुना क्यू माइनस एस के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पी गुना क्यू है, देखिए गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ पुत्र है, यानी कि जो पी हो गया ना, पी ये पुत्र हो गया किसका, क्यू का। देखिए मेल को दिखाता हूँ त्रिभुज से और फीमेल को मैं दिखाऊंगा वृत्त से, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए घटाव है तो घटाव का जो अर्थ है पत्नी, यानी कि जो क्यू हो गया वह पत्नी हो गया भाई किसका, एस का, यानी कि देखिए क्यू और एस यहाँ पे कपल हो गए जिनमें क्यू पत्नी है और एस हस्बैंड है और इसका जो लड़का यहाँ पे हो गया है, लड़का यहाँ पर ये पी हो गया है। तो देखिए हमको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया गया है कि एस पी का पति है, दोस्तों जो एस पी का पिता है, जो यहाँ पे एस है, बताओ ये पी का पिता है, बिल्कुल पिता है भाई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हमारा हो गया कि जो यह ऑप्शन 1 कह रहा है ना कि एस पी का पिता है, बिल्कुल भाई पिता है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए बस आपको इसी लॉजिक को यहाँ पे हल करना होता है, मतलब इसी लॉजिक के सहारे आपको इसको सॉल्व करना होता है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कथन और निष्कर्ष है, और देखिए इस शिफ्ट का ये पहला प्रश्न है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से जो पूछा गया है। देखिए दोस्तों जब भी कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न को सॉल्व करना होता है, इस लॉजिक को, जो लॉजिक मैं आपको मैं बता रहा हूँ, इस लॉजिक को आप अपने माइंड में डालिएगा। यदि आप ऐसे लॉजिक का आप यूज करते हैं ना, तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस कथन निष्कर्ष का सही हो जाता है। ओके, देखिए दोस्तों लॉजिक क्या है कि जब भी आपको जीवन में कथन और निष्कर्ष को सॉल्व करना है, तो देखिए कथन में जो बातें दिया हो, कथन में जो बातें दिया हो, देखिए उसी के अकॉर्डिंग,
मतलब उसी के सहारे निष्कर्ष में देखना है कि निष्कर्ष हमारा सही है कि नहीं है। मैं क्या बोला, स्टेटमेंट में जो बातें दिया हो उसी के सहारे उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, अपने मन से नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि हमारा निष्कर्ष सही है कि नहीं है। ओके, इसी लॉजिक को आपको हर एक जब भी कथन एंड निष्कर्ष वाला प्रश्न आए वहाँ पर डालना है। दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस कथन और निष्कर्ष का सही हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है परीक्षा में सफल का एक कारण नियमितता है। ओके, अगला स्टेटमेंट दिया गया कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। दोनों स्टेटमेंट को मैं पढ़ लिया हूँ। अब देखिए दो यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है कि सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। दोस्तों निष्कर्ष में कहा गया कि सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट हमारा बोल रहा था, आपको स्टेटमेंट की अकॉर्डिंग सोचना है। स्टेटमेंट हमारा बोला है कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है ऑप्शन जो नंबर वन है यहाँ पे निष्कर्ष है कि सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, यह गलत बोल रहा है। इसलिए यह जो निष्कर्ष है यहाँ पे गलत हो गया। नंबर टू, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी कि फेल हो जाते हैं। दोस्तों स्टेटमेंट में बोला गया था कि कुछ जो छात्र है ना अनियमित छात्र परीक्षाओं में पास होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पास होते हैं तो भाई कुछ क्या होंगे, फेल होंगे। तो देखिए उसी बात को यहाँ पे निष्कर्ष में बोला गया है, यानी कि यह पॉइंट हमारा, यह जो सेंटेंस है यह सही है। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो निष्कर्ष जो दो है ना यह क्या है, राइट है, यह क्या है, राइट है। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर वन यानी कि केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, पालन करता है। ओके, आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो है पूछा गया है वेन डायग्राम से, और इसमें बताना है कि कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या बताना है कि कितने जो हॉकी जो खिलाड़ी है ना वह फुटबॉल खेलते हैं। देखिए पहली बात ये हॉकी का, ये जो हॉकी जो खेल है इसका ये डायग्राम है, और ये जो है फुटबॉल का डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर यह जो संख्या है ना, यह जो घेरा है देखिए, इसका कुछ भाग हॉकी में भी है और इसका कुछ भाग फुटबॉल में भी है। दोस्तों यानी कि यहाँ पर 22 और प्लस 19 यानी कि यह ऐसे खिलाड़ी हैं, यह ऐसे खिलाड़ी हैं, इसको ऐड करने पर यह 41 हो जाएगा, यानी कि 41 ऐसे खिलाड़ी हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और जो फुटबॉल भी खेलते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 41 में से ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो हॉकी भी खेलते हैं, जो फुटबॉल भी खेलते हैं। और वहीं हमसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा भी गया है कि कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 41। इसका राइट उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 41। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का, और बहुत ही इजी प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्न को जुबान से भी कर सकते हैं, मुखड़िया जिसको बोलता हूँ, देखिए ऐसे प्रश्न को जुबान से कर सकते हैं, लेकिन देखिए सबका साथ सबका विकास चाहिए, तो ऐसे प्रश्न को मैं पेन से में करता हूँ। देखिए क्या बोला गया है कि ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए मान लिया कि 5 लोग हैं जो पंक्ति में बैठे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां हो गया, पंक्ति में बैठे हैं। सी जो है पश्चिमी छोर पर बैठा है, यानी कि जो सी बेचारा हो गया, सी यहाँ पे बैठ गया। ओके, अब देखिए क्या बोला है, और ई जो है बी और सी का पड़ोसी है। दोस्तों जब सी यहाँ पे हो गया तो बी यहाँ पे हो जाएगा, और ई भी भाई ये दोनों का पड़ोसी है, ठीक है ना। ई क्या है, बी और सी का पड़ोसी है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, देखिए सॉरी, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि
कि बी हमारा यहाँ पे आएगा और ई हमारा यहाँ पे आएगा। देखिए तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि ई जो है बी का भी पड़ोसी है और ये सी का भी पड़ोसी है। ओके, अब देखिए अगला यहाँ पर लाइन क्या दिया गया है कि ए और सी के बीच दो व्यक्ति हैं। दोस्तों यहाँ पे तो सी है, यानी देखिए यहाँ पर हमारा ए होने वाला है और ए और सी के बीच में दो व्यक्ति होना चाहिए यहाँ पे इस लाइन के अनुसार। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है कि पूर्वी छोर पर कौन बैठा है। भाई जो बच गया वो बैठ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर डी बैठ जाएगा यानी कि डी। तो इसका उत्तर फाइनली क्या होने वाला है, नंबर 3 यानी कि डी। कहे नहीं कि बहुत ईजी प्रश्न है ये सीटिंग अरेंजमेंट का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा गया है एनलॉजी से, और देखिए ये एनलॉजी के मीनिंग वाला टॉपिक है, यानी कि जिन बच्चे का मीनिंग पावर अच्छा होगा वही इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं तो देखिए बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को स्किप भी कर देते हैं क्योंकि उनको ऐसे प्रश्न का मीनिंग नहीं पता होता है। मैं साफ बोल दिया कि जिसका मीनिंग पावर अच्छा होगा वही ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या है, कैट का जो अर्थ है मतलब इसका जो संबंध है म्यू से है, तो आपको बताना है कि ऐसा ही रिलेशन इनमें से किस ऑप्शन में दिए गए शब्दों से हैं। देखिए दोस्तों इसका लॉजिक क्या है ना, ये तो कैट मतलब बिल्ली हो गई, बिल्ली के जो साउंड होता है यानी कि बिल्ली जो बोलती है उसको कहा जाता है म्यू। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ पे दिया गया है यानी कि कैट के साउंड का म्यू यहाँ पे दिया गया है, तो हमको यहाँ पे उसी ऑप्शन को चुनना है जिसमें कोई एक जानवर दिया हो और उसका वहाँ पे साउंड का नाम दिया गया हो। देखिए दोस्तों ऐसा ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, देखिए 4 हैं और देखिए 4 में देखिए ये डॉग हैं, तो देखिए इसका मतलब होता है बतख है, और देखिए बतख का जो साउंड होता है उसको कहा जाता है क्वाक, तो देखिए ये यहाँ पे हो गया। तो देखिए इस प्रकार से इसका जो यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, यानी कि इस लॉजिक के सहारे तो मैं आपसे वही बात बोल दिया हूँ कि जिसका मीनिंग बहुत अच्छा होगा वही ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। आते ही अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न जो हमारा होने वाला है देखिए फिर यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन से कि कौन सा इसमें जो शब्द है वह असंगत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 4 शब्द, गाय, बाघ, हिरण, तेंदुआ। इसका लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे जो सही होने वाला है गाय। अब गाय भाई यहाँ पे सही कैसे हो गया, इसका लॉजिक क्या है, तो इसका जो लॉजिक है ये दोस्तों यहाँ पर कि गाय एक पालतू जानवर है लेकिन बाघ, हिरण, तेंदुआ पालतू नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, काऊ यानी कि गाय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, हल्का सा आपको इसमें लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में एक समूह के आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षरों की संख्या में क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होती जा रही है, तो उस अक्षर समूह की पहचान कीजिए। दोस्तों इस लैंग्वेज का मतलब ये हुआ ना कि देखिए दो अक्षरों के बीच में जितना अक्षर है और फिर अगले दो अक्षरों के बीच में जितना अक्षर है मतलब वह एक एक कम वहाँ पे होना चाहिए। इस लॉजिक को यानी कि इस पैटर्न को किस ऑप्शन में दर्शाया जा रहा है, और देखिए जो ऑप्शन इस लॉजिक को दर्शाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप समझ लिए हैं, तो चलिए इसको यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या है, ओ जे ई बी जी। देखिए ओ जे है, देखिए ओ जे के बीच में कितना लेटर है, तो लेटर यहाँ पर दोस्तों 4 हैं, जे और ई के बीच में 4 हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखो ओ और जे के बीच में 4 हैं और जे और ई के बीच में 4 हैं। दोस्तों यहाँ पर एक लेटर यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है, हमें एक लेटर कम करना है, लेकिन यहाँ पे तो भाई सेम हो रहा है इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं चेक करता हूँ ऑप्शन 2 को, देखिए ऑप्शन 2 में क्या है, यू एन है। देखिए यू एन के बीच में कितना लेटर है आपको ध्यान रखना, देखिए तो देखिए यू एन के बीच में ना टोटल दोस्तों 6 लेटर हैं। अब देखिए एन एस के बीच में, तो एन एस के बीच में 4 हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कम हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कम हो रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा।
तीन चेक करता हूँ। देखिए यूपी यूपी के बीच में देखिए कितना लेटर है दोस्तों, तो चार हैं। पीजी के बीच में कितना है लेटर यहाँ पर पीजी के बीच में, तो देखिए पी होता है 16 पर और जी होता है यहाँ पर 7 पर, तो देखिए पीजी के बीच में 8 हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 और 8 में एक कम हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये 3 भी नहीं होगा, ना तो 2 होगा ना तो 1 होगा। देखिए फाइनल जो यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन 4। अब ऑप्शन 4 भी कैसे होगा चेक करते हैं। देखिए इसको भी क्यू, भी होता है 22 पर, क्यू होता है 17 पर। देखिए 22 और ये 17 के बीच में कितने का डिफरेंट है यहाँ पर, देखिए तो देखिए जो डिफरेंट यहाँ पर है 4 का डिफरेंट है। ओके, अब देखिए क्यू और एम के बीच में, क्यू और एम के बीच में 3 का डिफरेंट है, एम और जे के बीच में 2 का डिफरेंट है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए जे और एच के बीच में 1 का डिफरेंट है, तो देखिए ना यहाँ पे सब में 1 कम हुआ है क्या? 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, यानी कि देखिए सब में 1 कम हो गया। दोस्तों जो लॉजिक हमसे यहाँ पे बोला गया था वह लॉजिक ऑप्शन नंबर 4 में फॉलो हो गया, तो इसलिए इसका जो उत्तर यहाँ पर जाने वाला है एकदम फाइनली क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है। आते हैं अगले प्रश्न में, देखिए ये प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम बनाना है आदमी का, पिता का, भाई का। इजी है, देखो भाई आदमी तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होंगे, पिता होंगे और भाई होंगे। देखिए यहाँ पर पिता भाई का ऐसे बनेगा क्योंकि देखिए पिता और भाई का आपसी संबंध होता है, ठीक है ना, इसलिए ये ऐसे बनेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका जो डायग्राम बनने वाला है इस प्रकार से बनने वाला है। देखिए यह ऑप्शन किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न था यह डायग्राम का। हाँ अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आ गया है मिसिंग नंबर का। देखो मिसिंग नंबर से बहुत लोग डर जाते हैं क्योंकि इसका लॉजिक एग्जाम में पकड़ में नहीं आ पाता है, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो मिसिंग नंबर का लॉजिक पकड़ कर एग्जाम में उसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसका लॉजिक क्या है, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसका लॉजिक को पकड़िए। ओके चलिए मैं इसका लॉजिक में बता दे रहा हूँ कि इसका लॉजिक यहाँ पर क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों बहुत ईजी है, लेकिन हाँ देखिए ईजी है लेकिन आपका दिमाग यहाँ पर चलना चाहिए। देखिए ये क्या किया है, देखिए दोस्तों हमको यहाँ पर इस प्रकार से लॉजिक इसका मैं पकड़ा हूँ, आपको मैं पहले में बता रहा हूँ इस प्रकार से। ओके देखिए पहले में इसका लॉजिक मैं आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या किया है, 25 गुना 5 और इसमें माइनस किया है 7 गुना 5, यानी कि देखिए ये हो गया 25 5 125 और 7 5 35, यानी कि 125 में 35 माइनस करने पर ये हो जाएगा 90। ये लॉजिक है, देखते हैं यह लॉजिक हमारा इसमें फॉलो होता है कि नहीं। देखिए इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए दोस्तों 30 गुना 6 और माइनस 10 गुना 6 कर लो भाई यहाँ पर, तो 30 गुना 6 हो गया 180, 10 गुना 6 हो गया 60। दोस्तों 180 में से 60 गया तो यहाँ पे आ गया 20, यानी कि यह लॉजिक हमारा काम कर रहा है दोस्तों। यह लॉजिक क्या है, हमारा काम कर रहा है, तो चलिए इसी लॉजिक को मैं बैठा देता हूँ इसमें। ओके देखिए इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 26 गुना 4, 26 में यहाँ से पुट करूँगा इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन के सहारे 26 गुना यहाँ पे 4। अब देखिए इसमें माइनस में करने वाला हूँ क्या, 6 गुना 4। देखिए 26 में 4 से गुने करके, अब देखिए 6 में 4 से गुने करके जब आप दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा भाई, देखो ये तो 108 आएगा, 108 में से जब आप यहाँ पे 24 माइनस करोगे तो ये फाइनली यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 80, यानी कि इस पैटर्न के सहारे जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है क्या होगा भाई, 80 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फिलअप भी मैं क्या करने वाला हूँ, 26 करने वाला हूँ। देखिए तो 26 ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिया है। अच्छा प्रश्न है, आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, बस उल्टा पलटी यहाँ पे कर दिया है। देखिए यहाँ से क्या किया है, देखिए दोस्तों यहाँ से इस जो शब्द है ना,
इस शब्द को बस ये पलटी मार दिया है। देखो ना आई एन टी ई आर ई एस टी, अब देखिए इसको इधर से लिख दिया है, बस पलटी मार दिया है। तो मैं भी भाई क्या करने वाला हूँ, बोलो बोलो बोलो, इसको भी मैं यहाँ से पलटी मारने वाला हूँ। तो चलिए इसका मैं पलटी मारता हूँ, देखिए यहाँ से देखिए पलटी मारता हूँ इधर से, ओके देखिए। तो क्या होगा हमारे यहाँ से, आर होगा, ई होगा, एम होगा। देखिए दोस्तों यह किस में मिल रहा है, अंतिम से भाई इसमें मिल रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो फाइनली यहाँ पे मिल गया ऑप्शन यहाँ पे टू। बहुत इजी प्रश्न है, बिना काम किए इसका फल यहाँ पे हमें मिल गया है। ओके अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, फिर यहाँ पे पूछा गया है एनालॉजी का संख्या वाला। देखिए अब इसका पैटर्न क्या है दोस्तों, आपको हल्का सा पकड़ना है। देखिए 25 को 16 लिख रहा है, ये क्या किया है, इसका लॉजिक क्या है। देखिए इसका जो लॉजिक यहाँ पर है भाई, माइनस 9 किया है। चलो भाई माइनस 9 किया है, देखते हैं 41 में माइनस 9 करने से क्या आएगा, 32। दोस्तों लॉजिक हमें मिल गया, क्योंकि देखिए इस लॉजिक से हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, 32 ऑप्शन में है, तो इसलिए यही इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है। दोस्तों एक बात मैं और मैं स्पष्ट कर दूँ, देखिए जब भी इन लॉजिक का नंबर वाला प्रश्न आए ना, तो आपको चेक करना है कि देखिए मतलब उन नंबरों में जिस प्रकार का रिलेशन है, यानी कि जिस प्रकार का लॉजिक है, उसी लॉजिक को दूसरे नंबर्स में अप्लाई करने के बाद यदि संख्या कोई आया और वह संख्या ऑप्शन में दिया हो तो लॉजिक सही माना जाएगा, यदि ऑप्शन में नहीं दिया हो तो लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों अब कुछ और लॉजिक से हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है सीरीज से, तो चलिए इसका पैटर्न को पकड़िए। देखिए क्या किया है, बहुत ईजी है। देखिए 2 को 6 किया है, यानी कि 4 प्लस किया है, 6 को 12 यानी कि 6 प्लस किया है, 12 को 20 यानी कि 8 प्लस किया है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि सब में 2 2 2 2 प्लस किया है। उसी प्रकार से देखिए 20 में मैं यहाँ से क्या प्लस करने वाला हूँ, 10, तो ये हो जाएगा 30, और 30 में मैं 12 प्लस करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 42। तो इसका उत्तर क्या होगा, 30 42 30 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है देखिए, फिर प्रश्न पूछा गया है सीरीज से। दोस्तों ये भी प्रश्न इजी है, कुछ नहीं किया है, बस ये क्यू किया। देखिए ये 2 का क्यू करने पर 8 आएगा, 3 का क्यू करने पर 27 आएगा, 4 का क्यू करने पर 64 आएगा, और 5 का क्यू करने पर 125 आएगा, 6 का क्यू करने पर 216 आएगा। तो भाई बोलो व्हाट में मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट में 7 का क्यू करूँगा, तो 7 का क्यू कितना होगा, 343। क्या सही है ना, तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 343 सही उत्तर इसका है। अगला प्रश्न देखिए, ये अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न आपसे फिर यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों मिसिंग नंबर से। देखिए दोस्तों बताइए कि इसका पैटर्न यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों इसका पैटर्न तो मुझे अभी मिल नहीं पाया है, मैं बहुत प्रयास किया लेकिन इसका पैटर्न को मैं खोज नहीं पाया हूँ दोस्तों। और देखिए जैसे ही इसका पैटर्न मिल पाता है मैं कमेंट करके मैं पिनअप में कर दूंगा ताकि आपको पता हो सके। और दोस्तों जिन भाई को इसका पैटर्न पता हो, मतलब जो पाए, तो वे लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना, और उनका कमेंट मैं पिनअप में कर दूंगा। ओके दोस्तों देखिए इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे जितने सारे रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं सॉल्व करा दिया हूँ। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है ना। तो चलिए इस सेट को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेट में। दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भाई ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेट में, जय हिंद, वंदे मातरम।